योगी सरकार के 3 साल पूरे होने से पहले आज कैबिनेट की अहम बैठक होगी और बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। तो वहीं कैबिनेट की बैठक के बाद सीएम योगी सभी मंत्रियों के साथ भी बैठक करेंगे, जिसमें बीजेपी संगठन के सभी पदाधिकारी शामिल होंगे। माना जा रहा है कि बैठक में योगी सरकार के 3 साल के कामों की समीक्षा की जाएगी और बाकी बचे 2 साल के कामों की रूपरेखा भी तैयार की जाएगी। बैठक में यह भी तय होना है कि सभी मंत्री और पार्टी पदाधिकारी सरकार की उपलब्धियों को लेकर गांव-गांव तक जाएंगे। ये अभियान 15 अप्रैल तक चलेगा। 2 महत्वपूर्ण बैठकें आज होने वाली हैं। एक योगी कैबिनेट की अहम बैठक होगी, वहीं दूसरी ओर सरकार के 3 साल का कार्यकाल पूरा होने पर महत्वपूर्ण बैठक, जिसमें मंत्री और सभी पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे, जिसमें 3 साल के कामों की समीक्षा होगी, सरकार की उपलब्धियों पर चर्चा होगी और जन जन तक कैसे उन उपलब्धियों को पहुंचाया जाए इस पर भी रणनीति तय होगी। चलिए आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि सीएम योगी का आज का डे प्लान क्या रहेगा। आज सुबह 11 बजे सीएम योगी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होगी। दोपहर 12:30 बजे निजी यूनिवर्सिटी को लेटर ऑफ इंटेंट देंगे सीएम योगी। दोपहर 4 बजे शाम 4 बजे विधानसभा प्रभारियों के साथ बैठक करेंगे। शाम 5:30 बजे मंत्रियों के साथ बैठक होगी। योगी आदित्यनाथ बैठक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और संगठन महामंत्री भी शामिल होंगे। योगी सरकार के 3 साल पूरे होने पर बैठक का आयोजन किया जा रहा है। 3 साल की उपलब्धियों को जनता के बीच ले जाने पर चर्चा होगी। मौसम की मार से पीड़ित किसानों को लेकर भी बैठक में चर्चा संभव मानी जा रही है। कोरोना के चलते प्रदेश के मौजूदा हालात पर भी बातचीत हो सकती है। तो आज का पूरा शेड्यूल क्या रहने वाला है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, ये आप जानिए। सुबह 11 बजे से शुरुआत कैबिनेट बैठक सबसे पहले और उसके बाद महत्वपूर्ण बैठक सीएम योगी की। 3 साल की उपलब्धियों को जनता के बीच कैसे पहुंचाया जाए, किसानों को लेकर चर्चा हो सकती है, क्योंकि मौसम का मिजाज जैसे बदला, किसानों के ऊपर मौसम की मार पड़ी और किसानों के सामने क्या परेशानी रही, सरकार कैसे मदद कर सकती है, इस पर बातचीत होगी। कोरोना को लेकर प्रदेश में मौजूदा स्थिति किस तरह की है, कितने लोग ऐसे हैं जो कि अस्पतालों में भर्ती हैं, मामले और ज्यादा ना बढ़े, कैसे रोकथाम हो, इन सभी बातों पर बातचीत होगी। और फोन लाइन पर हमारे साथ विनोद मिश्रा जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता। विनोद, आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। पहले कैबिनेट की बैठक होगी और उसके बाद 3 साल के कार्यकाल पूरा होने पर बैठक, दोनों बैठकों को लेकर जानकारी दीजिए। बिल्कुल, आज का दिन जो है वो सीएम का सबसे बेस्ट दिन रहने जा रहा है। सबसे पहले जो है सुबह करीब 11 बजे जो है वो उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक होगी। कहा जा रहा है कि ये बैठक भी बहुत खास है। हालांकि कोई बड़ी बड़ा प्रस्ताव अभी तक कैबिनेट के लिए नहीं आया है, लेकिन माना जा रहा है कि 11 बजे बैठक होगी। कुछ अहम प्रस्ताव ऐसे होंगे जिस पर आज कैबिनेट अपनी मुहर लगाएगी। ठीक दोपहर 12:30 बजे 5 KD जो मुख्यमंत्री का आवास है वहां पर एक कार्यक्रम हो रहा है। इसमें जो निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालय है उनको लेटर ऑफ इंटेंट जो है वो सीएम देंगे। आपको याद होगा कि इसके लिए कैबिनेट ने प्रस्ताव पास किया था निजी विश्वविद्यालयों को, सभी विश्वविद्यालयों को एक अम्ब्रेला के नीचे लाकर एक अध्यादेश पास किया था, जिसके तहत सभी जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है उनको भी गवर्नमेंट रेगुलेट करेगी और उसके लिए एक कानून बनाया गया था, उसको आज लेटर ऑफ उन्हीं विश्वविद्यालयों को आज लेटर ऑफ इंटेंट जो है वो सीएम की तरफ से दिया जाएगा। तो 5 KD पर 12:30 बजे जो है ये कार्यक्रम होगा। करीब दोपहर 4 बजे सीएम का एक और कार्यक्रम है, विधानसभा के जितने प्रभारी हैं उनके साथ विधान बैठक करेंगे। ये बैठक भी सरकार के 3 साल के कामकाज को लेकर होगी, तो ये भी बैठक अहम मानी जा रही है। 5 KD पर भी ये बैठक होगी, यानी मुख्यमंत्री अपने आवास पर जाएंगे और वहीं पर विधानसभा प्रभारियों के साथ बैठक करेंगे। 5:30 बजे जो बैठक है वो मंत्रियों के साथ है, सीएम सभी मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। ये बैठक सबसे ज्यादा खास है क्योंकि इस बैठक में प्रदेश के बीजेपी के अध्यक्ष होंगे, संगठन के महामंत्री शामिल होंगे। संगठन, सरकार और संघ तीनों इस बैठक में शामिल होंगे। कहा जाए कि सरकार के 3 सालों के कार्यक्रम को लेकर कौन कौन से आयोजन होंगे इस पर इस बैठक में चर्चा होगी। 3 साल की उपलब्धियों को जनता के बीच ले जाने कैसे लेकर जाएंगे, कैसे उसकी जनता के बीच जाना है, इसको लेकर चर्चा होगी। क्योंकि पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि विभाग भी अपना 3 साल का कार्यकाल बताएगा कि 3 साल में उसकी क्या उपलब्धियां रही है, उसको लेकर चर्चा होनी है। तो इस बैठक में उसको लेकर बात होगी। प्रभारी जिलों के जो मंत्री हैं उनके जिलों का विकास कैसे हुआ, उनके वहां पे क्या कुछ काम काज किए गए ये भी बताना है, क्योंकि विधायकों की रिपोर्ट कार्ड भी इस बार पेश होनी है। विधायक किस विधानसभा में क्या कुछ काम हुए हैं, जो बुकलेट प्रकाशित किया जाएगा विभाग के सरकार के द्वारा
तीन साल के कार्यकाल को लेकर उसमें सभी विधानसभाओं की भी रिपोर्ट लगी है, चूंकि विधानसभाओं की जिम्मेदारी भी मंत्रियों को दी गई है तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि विधान अपने अपने जो प्रभारी क्षेत्र है विधानसभा है उसके बारे में बताए तो उसको लेकर चर्चा होगी। क्योंकि कोरोना वायरस इस प्रदेश में भी लगातार से फैल रहा है, इससे जो मौजूदा हालात है उसको लेकर भी इस बैठक में बात करने की उम्मीद जताई जा रही है। शुक्रिया जानकारी के लिए विनोद आपका। तो योगी सरकार तीन साल का कार्यकाल पूरा करने जा रही है, अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखेगी सरकार। 18 मार्च को सीएम योगी लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और 19 मार्च को सभी प्रभारी मंत्री अपने प्रभार वाले जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उपलब्धियों की जानकारी देंगे। 20 मार्च को बीजेपी के सभी सांसद अपने संसदीय क्षेत्र में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो वहीं 21 मार्च को बीजेपी के सभी विधायक अपनी विधानसभा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उधर सीएम योगी आदित्यनाथ बीजेपी के 6 संगठनात्मक क्षेत्रों का दौरा करेंगे। सीएम योगी 19, 20, 23 और 24 मार्च को संगठनात्मक क्षेत्रों का दौरा करेंगे। सीएम योगी हर संगठनात्मक क्षेत्र के किसी भी जिले में रात्रि विश्राम भी करेंगे। इस दौरान लोगों तक सरकार की उपलब्धियां पहुंचाई जाएंगी और पिछली सरकारों के कार्यकाल से भी तुलना की जाएगी। वहीं लोगों के साथ चर्चा करके सरकार के कार्यों का फीडबैक भी लिया जाएगा। संपूर्ण उत्तर प्रदेश के लिए 23 करोड़ उत्तर प्रदेश के लिए प्रतिबद्ध मुख्यमंत्री जी हैं, सरकार है, तो इसीलिए हमने हर विधानसभा क्षेत्र में काम किया है। हमारे विधायक अपनी उपलब्धियां लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। आप देखें, हमने विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ा, हमने 2019 में खूब गठजोड़ और कौन कौन सा जोड़ घटा गुड़ा भाग किया था, लेकिन उस सबको केवल विकास के अपने विकास के काम के द्वारा हमने सबको धराशायी कर दिया। तो हम अपनी उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं।